अठारहवीं बच्चे का नहीं बना। हम जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो कहाँ से बनेगा? जब तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा बासठ 63 78 48 50। ठीक है, फोन करके बताएंगे। अभी तो कल ही जाएगा ये पैसे का क्या सर? अभी देना पड़ेगा, जबकि लड़की को देना पड़ेगा। मैं कितने पैसे लग रहे हैं? 1500 बताया था उनको। पैसे तो लगते नहीं है ना मैडम नगर निगम में। हॉस्पिटल वालों ने गलती की, आप उनसे आदेश होता है एसडीएम आदेश होगा, आप उनसे बोलो ना आप तो पैसे ऑनलाइन नहीं किया है, उनको दंड देना था आपको। क्या आप ऑनलाइन करते क्या है ना? बिल तो जब बच्चा हुआ होगा तब पूरा बिल बनाया। ऑनलाइन आता तो अभी बस 20 रुपए का काम हो गया। 20 रुपए बस देते, प्रिंट निकाल के नाम चढ़ा के दे देते आपको। तो इसकी रसीद मिलेगी मैडम? हाँ मिलेगी। 1500 नहीं 1500 रुपए जो दिए जाएंगे उसकी रसीद मिलेगी? नहीं मिलेगी। ये आदेश उन्होंने बोला हमको कि आप आदेश करवा दो, तो हम आदेश करवा रहे हैं, नहीं तो आप किसी और से आदेश करवा लो। उनको बोला करो। आदेश किससे करवाना है? आदेश किससे? एसडीएम आदेश। मैडम एसडीएम का आदेश भी लगेगा तो उसमें पैसे लगते हैं। तो वो आप करा लो ना, आप करा लो ना, आप करा लो। बोला कि आप करा दो, ये आने जाने का खर्चा अपनी जेब से थोड़े ना देंगे सर, दलाल के थ्रू करा, दलाल के थ्रू कराएंगे, इसलिए तो इतने पैसे। आप करा लो, आप में कम लगेगा। आप करा लीजिए, कम लगेगा। बस यही कि आने जाने का थोड़ा 2-3 बार खर्चा पड़ता है, 2-3 बार जाना पड़ेगा। चलिए ठीक है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम रोहित पटेल। आप आज कहाँ गए थे, क्या कुछ हुआ? मैं संग्रामपुर का रहने वाला, दमोह डिस्ट्रिक्ट। मेरे बच्चे का जन्म यहीं सुविधा हॉस्पिटल में हुआ था, जबलपुर। मुझे जन्म प्रमाण पत्र बनवाना था, तो मैं जन्म प्रमाण पत्र के लिए गया था। तो पहले हॉस्पिटल गया तो हॉस्पिटल वालों ने बोला कि नगर निगम चले जाइए, वहीं छोटी लाइन के पास 1500 रुपये लगेंगे आपको। तो मैं गया मैम के पास, वहाँ जन ऑफिस में नगर निगम, तो वहाँ 1500 रुपये उनने बोला कि दो तो आपका काम हो जाएगा। तो मैंने कहा मैम 1500 रुपये मैं दूंगा तो मुझे कुछ रसीद रसीद दो। तो बोलने लगी रसीद नहीं मिलेगी। मैंने कहा ये किस चीज़ की लग रहा है? तो कहने लगा वो एसडीएम को दलाल ले जाएगा, एसडीएम कहाँ कहीं कहीं ले जाएगा, वहाँ के पैसे लगेंगे, दलाली इसका पैसा लगेगा। मैंने कहा पैसा आप जो ले रही हो तो उसकी रसीद दे दो। कहने नहीं रसीद नहीं मिलेगी, ऐसा ही भी होगा। फिर मैं बाहर आ गया, बाहर निकल के वीडियो बनाया मैंने कहा कि अब देखता हूँ। कब जन्म हुआ था बच्चे का और कहाँ हुआ था? 14 जनवरी 2020 को हुआ था, वहीं सुविधा हॉस्पिटल में। तो उनने ये वाला एक सर्टिफिकेट दे दिया था, तो बोलने लगे कि ये चलेगा। लेकिन जब मैं बच्चे का अब नाम लिखाना है, आधार कार्ड बनवाना है, तो सबने बोला कि ये नहीं चलेगा, हॉस्पिटल से बनेगा। इसलिए मैं आया, तो हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं कि 1500 रुपये लगेंगे, आप हो जाएगा। फिर बोलने लगे अगर आपको ही बनाना है तो आप डायरेक्ट चले जाइए नगर निगम ऑफिस। तो मैं वहाँ भी गया तो 1500 रुपये उनने मांगा। किसके नाम पर मांग रहे हैं लोग, किसको देने के लिए मांग रहे हैं? वो कह रहे कहीं एसडीएम को देना है, कहीं कहीं देना है, वहाँ दलाल जाएगा, उसका पैसा लग रहा है। और दलाल के वहाँ पे एसडीएम साहब को पैसे देने की बात कर रहे हैं। हाँ वो तो मैम यही बोल रही थी कि एसडीएम वगैरह को दलाल जाएगा, एसडीएम कहाँ, वहाँ से होगा और कहीं जाएगा। मैंने कहा ठीक है रसीद दो, तो रसीद के लिए मना कर रही थी। दूर से आप आ रहे हैं और कितना परेशान हो गए? मैं 60 किलोमीटर दूर से हूँ सर, संग्रामपुर से। 3 दिन हो गए मेरे को आते, वो बस पैसे की मांग कर रहे हैं। तो अभी काम हो गया आपका? अभी नहीं हुआ।